हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मेट्रिक स्पेसेस में जो कि है ओपन सेट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन करी थी ओपन स्पेयर की ओपन स्पेयर की और ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को रियल लाइन पर ऑलरेडी पता इसकी नोटेशन हमने यूज़ करी है ये और ये कोई भी इंटरवल ऐसा हो सकता है ओपन इंटरवल नाउ अब हम करने वाले हैं कि ओपन सेट क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स तो कब कहेंगे कि ये सेट ओपन है देन ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ

किसी भी सबसेट को ओपन तब कहा जाता है अगर उस सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए यानी अगर कोई सेट है कैपिटल है आपने चेक किया ये आपके पास एक मेट्रिक स्पेस है एक्स टी फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक सबसेट है अब क्वेश्चन ये क्या ये ओपन है अगर इसका हर पॉइंट इसके अंदर पॉइंट्स हैं बहुत सारे मैंने एक्स को चेक किया वो इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है वाई को चेक किया वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है जेड को चेक किया वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है सोन so अगर इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है तो कैपिटल ए ओपन सबसेट है एक्स का और आप ऐसे भी कह सकते हो कैपिटल ए अपने हर पॉइंट की क्या बन जाए नेबरहुड अब दूसरी बात कि अगर इसको हमने मैथमेटिकली लिखना है कि ए इज़ ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर सच दैट एस एक्स आर इज़ कंटेन्ड इन ए यानी अगर ए ओपन है तो हम उसका कोई भी पॉइंट लें हर पॉइंट के लिए आपको एक नॉन नेगेटिव यानी कि एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा सच डैट एक्स स्फेयर उस एक्सपर सेंटर जो किस में कंटेंट होगा ए में जब हमने किसी को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना होता है तो हमें कोई एक रेडियस के लिए स्फेयर चाहिए होता है यहाँ पर अगर ए ने ओपन होना है तो उसके हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा एक स्फेयर तो एस एक्स आर किस में कंटेंट हो ए में और ये किसके लिए हो हर एक्स के लिए या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए है वो नेबरहुड बन जाए किसकी ए नेबरहुड बन जाए किसकी इस x के अब आपके पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ओपन सेट के एक और बात यहाँ आपको देखते ही पता चल गया कि ओपन ये हमने डेफिनेशन करी है ओपन सेट की इससे पहले जो हमने पढ़ा था ओपन स्फेयर और उससे पहले हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल्स अब आपका पहला एग्जाम्पल है आपने शो करना है शो डैट ए बी कंटेंड इन आर इज एन ओपन सेट यानी मैं ये शो करने वाली हूँ कि ये जो ओपन इंटरवल्स होते हैं ओपन इंटरवल्स ये क्या है ओपन सेट्स हमने आज ओपन सेट की डेफिनेशन करी है ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं यानी ओपन इंटरवल्स ओपन सेट के एग्जाम्पल है सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ओपन स्फेयर भी क्या होते हैं ओपन सेट यानी ओपन स्फेयर भी एक एग्जाम्पल है किसका ओपन सेट का तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इन तीनों टर्म्स में ओपन इंटरवल एंड ओपन स्फेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सेट तो हम पहले करने वाले हैं कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल है कहाँ रियल लाइन पर आपने प्रूफ करना है ये ओपन सेट है कैसे प्रूफ करेंगे इस इंटरवल का आपने क्या शो करना है कि अगर ये इंटरवल है इस इंटरवल का आप कोई भी पॉइंट ले लो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए पी मैंने आर्बिट्री ले लिया अब अगर एक्स मैंने आर्बिट्री का लिया तो हम एक छोटा सा इंटरवल इसके आसपास बना सकते हैं यानी मुझे क्या मिल जाएगा एक एप्सालन मैंने रेडियस क्या रखा है एप्सायलन सच डैट ये जो इंटरवल आएगा ये किस में कंटेंड है ए बी में आप छोटा एग्जाम छोटा एप्सालन ले सकते हो एंड देयर फोर एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी लेकिन एक्स तो आपने आर्बिट्री लिया था इसका मतलब सिंस एक्स इज आर्बिट्ररी आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इज इट्स इंटीरियर पॉइंट और अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए तो सेट कैसा हो जाता है ओपन एंड देयर फोर ए बी इज ओपन आप इसको किसी एग्जांपल से भी कर सकते हैं आप चेक करके देख लीजिए वन कॉमा टू के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो जो भी आप पॉइंट लोगे फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट लिया वन पॉइंट फाइव तो आप एक ऐसा सालन तो ढूंढ ही सकते हो ना कि ये इंटरवल किसके अंदर लाई करे वन कॉमा टू के लिए एक और एग्जाम्पल करते हैं योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो डैट इन अ डिस्क्रीट मिट्रिक स्पेस एक्स एवरी सबसेट इज ओपन आपको क्या शो करना है डिस्क्रीट मिट्रिक स्पेस में हर सबसेट जो है वो ओपन होता है तो स्टार्ट करते हैं हमने एक्स टी एक मिट्रिक स्पेस ली कैसे ली डिस्क्रीट मिट्रिक स्पेस यानी इसमें डिस्क्रीट मिट्रिक स्पेस मतलब d ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड है जीरो इफ x इज इक्वल टू y एंड वन इफ़ x इज नॉट इक्वल टू y तो आपने क्या शो करना है कि अगर x मिट्रिक स्पेस कैसी है डिस्क्रीट तो हर सबसेट ओपन है हर सबसेट ओपन है तो हम एक आर्बिट्री ले, ले लेते हैं लेट a बी अ सबसेट ऑफ x अब मुझे ये शो करना है कि a कैसा है ओपन ए को ओपन शो करने के लिए मुझे क्या दिखाना है ए का हर पॉइंट उसका क्या बन जाए इंटीरियर पॉइंट तो मैं इसका एक पॉइंट ले लेती हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए अब एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। हमें क्या दिखाना है पॉइंट ऑफ ए हमने एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। इसका मतलब आपने क्या करना है एक्सप्रेस और ए के बीच में एक स्फेयर ढूंढ के दिखाना है और क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है तो हम वो स्फेयर क्या ले सकते हैं रेडियस मैं ऐसे लिखती हूँ इसका सेंटर तो आएगा एक्स आप रेडियस क्या ले लो वन से छोटा क्योंकि इस केस में सिंस ये जो स्फेयर है वो क्या होगा सेंटर क्योंकि जब भी रेडियस हमने देखा था डिस्क्रीट स्पेस में वन या वन से छोटा होता है जो स्फेयर आता है वो सिंगल्टन सेट सेंटर आता है यहाँ सेंटर के एक्स तो एक्स क्योंकि हमें ये तो पता ही है एक्स एक्स में कंटेन्ड है और एक्स ऑलरेडी ए में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेयर तो एक्स और ए के बीच में आपको एक्सफेयर मिल गया इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एक्स आर्बिट्री था तो एक्स एक्स जैसे ए का इंटीरियर पॉइंट बना हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा और ए क्या हो जाएगा ओपन एंड देयर फोर ए इज़ ओपन लेकिन ए तो आपने आर्बिट्री सबसेट लिया था एक्स का एंड दिस इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज इज़ ओपन इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट कैसा हो जाएगा ओपन नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एक थ्योरम है वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई मिट्रिक स्पेस दी हुई है एक्स टी तो आप हमारी नेक्स्ट थ्योरम है शो डैट इन अ मिट्रिक स्पेस एक्सटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन तो हम सपोज कर लेते हैं हमारी मेट्रिक स्पेस ये गिवन है और हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स इसका कोई एलिमेंट है हमने क्या करके दिखाना है सपोज ये है आपकी मेट्रिक स्पेस डायग्राम में और एक्स इसका कोई पॉइंट है आपने ये शो करना है कि ये जो आप सिंगलटन सेट बनाओ इसका कॉम्प्लीमेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ये सेट कैसा है ओपन यानी x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस स्मॉल x को छोड़कर बाकी सारा ये सारी जगह क्या है x कॉम्प्लीमेंट इसको आपने ओपन दिखाना है अब दो केसेस डिस्कस करते हैं केस वन अगर ये सेट मैं ये नोटेशन यूज कर रही हूँ आप ये भी कर सकते हो एम है एम सेट हमेशा ओपन होता है हम नेक्स्ट थ्योरम में देखेंगे अभी एम सेट क्यों ओपन होता है क्योंकि कोई भी सेट तब ओपन होता है अगर वो अपने सारे पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट प्रूव करते हैं। अगर किसी सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट ओपन है और इसके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है इसका मतलब ये कैसा है ओपन एंड दे फोर एंड दे फोर एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्वियसली ओपन तो हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसा है नॉन एम अगर नॉन एम है तो वाई कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट का अगर y मैंने x कॉम्प्लीमेंट का लिया है तो ऑब्वियसली x और y इक्वल नहीं है और उनके बीच का देर फुट डिस्टेंस कैसा होगा ग्रेटर देन ज़ीरो आपने y एक पॉइंट यहाँ लिया x कॉम्प्लीमेंट में तो ये बराबर तो हो नहीं सकते और अगर बराबर नहीं हो सकते तो मेट्रिक की सेकेंड डेफिनेशन कहती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा होगा ग्रेटर देन ज़ीरो अगर इनके बीच में डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो होगा लेट कर लेते हैं कि ये जो भी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है आर रियल नंबर तो आप कोई भी नंबर ले लो रियल आर के बराबर या आर से छोटा देन ये वाई को सेंटर लेकर आर वन रेडियस का जो स्फेयर बनेगा वो श्योरली किस में कंटेंड होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट में कैसे आपने एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस लिया आर अगर मैं y पर सेंटर्ड कोई इस फेयर बनाऊँ आर वन, ये मैं r1 वन ले ली आर से छोटा आप r1 और r को इक्वल भी ले सकते हो क्योंकि हम ओपन स्पेयर लेंगे तो बाउंड्री पर x आएगा बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होती तो r1 मैंने r से छोटा लिया और y पर सेंटर्ड एक फेयर लिया r1 वन रेडियस का वो पूरा किस में कंटेंड है एक्स कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि उसके अंदर एक्स नहीं है अब y पर सेंटर्ड एक एक्सफेयर मिल गया जो इस सेट में कंटेंड है y किसका पॉइंट था इसका आर्बिटरी पॉइंट एंड दिस इम्प्लाइज x कॉम्प्लीमेंट इज ओपन क्योंकि आपने आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट किया था तो हमने क्या प्रूव कर दिया हर सिंगल्टन सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है ओपन नेक्स्ट एक छोटी सी थ्योरम है हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई भी मिट्रिक स्पेस हो एक्स टी तो एम टी सेट और पूरी स्पेस एक्स हमेशा ओपन होते हैं एम टी सेट की बात तो हमने अभी भी कर ली तो क्या प्रूफ करना है इन अ मिट्रिक स्पेस एक्स डी फाइ एंड एक्स आर ओपन सेट्स तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट फाइव की बात करते हैं सिंस फाइ हैज नो पॉइंट्स सो ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज इट्स इंटीरियर पॉइंट या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कंडीशन ऑटोमेटिकली ऑटोमैटिकलीटिस्फाइड है एंड दिस एम्प्लाइज ओपन अब सेकेंड केस करते हैं लेट मैंने एक्स का कोई पॉइंट ले लिया कैपिटल एक्स इसको मुझे ओपन दिखाना है मुझे इस पॉइंट को इसका इसका इंटीरियर पॉइंट दिखाना है देन आप कोई भी स्फेयर ले लो एक्स पर सेंटर्ड देन एस एक्स आर फॉर एनी आर्ग रेडियस कुछ भी ले लो इज सच डैट कैसा होगा ये इस कहाँ जाएगा एक्स से बाहर तो जा नहीं सकता ना अगर आप कैपिटल एक्स के अंदर कोई भी पॉइंट ले रहे हो एक्स तो उस पर जैसा मर्जी इस फेयर ड्रॉ करो वो इसके अंदर ही रहेगा क्योंकि बाहर के पॉइंट्स को तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे तो ऐसा एक रेडियस तो ज़रूर मिल जाएगा तो इसका मतलब ये x क्या बन जाएगा इस कैपिटल एक्स का इंटीरियर पॉइंट सिमिलरली हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज ओपन इसका मतलब एम टी सेट और पूरी स्पेस एक्स ये दोनों सेट्स हमेशा ओपन सेट्स होते हैं इनको हम ऐसे भी लिखेंगे अगली थ्योरम्स में दे, दे आर ट्रिवली ओपन सेट्स नाउ आर नेक्स्ट थ्योरम इज़ इन अट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फेयर इज एन ओपन सेट जैसे हमने एक थ्योरम में प्रूफ किया था कि हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है उसी तरह मैंने वहाँ भी बताया था हर ओपन स्फेयर भी क्या होता है ओपन सेट ओपन ओपनफेयर और ओपन इंटरवल दोनों ओपन सेट के एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ हम प्रूफ करते हैं इसको अब आपको मिट्रिक स्पेस का स्टेटमेंट में अगर कोई नाम दिया तो ठीक है नहीं तो आपने खुद से नाम रखना है लेट एक्स टी बी अ मिट्रिक स्पेस एंड लेट एस ए आर बी एन ओपन स्फेयर इन एक्स टी मैंने एक्स टी मिट्रिक स्पेस ली और उसमें क्या लिया है एक ओपन स्फेयर इसका सेंटर ए है और रेडियस क्या है आर क्या प्रूफ करना है मुझे टू प्रूफ एस ए आर जो कि एक ओपन स्फेयर है इज एन ओपन सेट अब इसको ओपन सेट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यह दिखाना पड़ेगा इसका हर पॉइंट इसका क्या इंटीरियर पॉइंट किस फर्स्ट इफ एस ए आर एम टी है एम टी सेट हमेशा ओपन होता है अभी हमने किया देन एस ए आर इज एन ओपन सेट एम टी सेट हमेशा ओपन होता है के सेकेंड इफ एस ए आर कैसा है नॉन एम टी अगर नॉन एम टी है तो उसमें कोई पॉइंट होगा वो पॉइंट हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स अब आपने क्या करना है आपने एस ए आर को ओपन दिखाना है और एक्स उसका कोई पॉइंट है अगर मैं इस एक्स को इसका इंटीरियर पॉइंट बना दूं, तो एस ए आर क्या बन जाएगा ओपन क्योंकि एक सारबिटरी हर पॉइंट उसका क्या हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट इसको करने के लिए इसको इसका इंटीरियर पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए इन दोनों के बीच में एक स्फर चाहिए जो X पर सेंटर्ड हो और जो पूरे का पूरा किस्में कंटेंड हो इस एस ए आर में अब स्फेयर का मतलब आपको सिर्फ एक रेडियस चाहिए यहां तक जितनी भी हमारे पास चीज है उसे हम डायग्राम में देखते हैं आपके पास कुछ ऐसे हो रहा है कि ये मिट्रिक स्पेस है एक्स टी आपने इसके अंदर एक स्फेयर लिया उस फेयर का सेंटर है ए और रेडियस है आर ये आपका स्फेयर हो गया एस ए आर आपने इस फेयर को क्या प्रूफ करना है इस स्फेयर को आपने प्रूव करना है कि ये एक ओपन सेट है तो हमने एक पॉइंट लिया इस स्फेयर के अंदर अभी तक सिर्फ इतना किया अब x इस स्फेयर में है दिस इम्प्लाइज x और a के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा होगा डेफिनेशन r से इसका मतलब r माइनस डी एक्स से मैंने दोनों तरफ से d ऑफ से अपट्रैक्ट किया तो ये कैसी क्वांटिटी आई dx से r से छोटा है तो r माइनस डी एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं आर माइनस डी ऑफ एक्स ए का नाम क्या रख देती हूँ आर वन ब्रैकेट में मैंने से लिख दिया या आपने यहाँ लेट लिखा है तो से ना भी लिखो तो चलेगा यानी मैंने इस क्वांटिटी जो कि एक रियल नंबर होगा उसका नाम क्या रखा है आर वन मैं क्लेम करूँगी वी क्लेम कि इस एक्स के ऊपर अगर मैं इस आर वन रेडियस का स्फेयर ड्रॉ करूँ तो वो पूरे का पूरा इस एस ए आर में जाएगा आपने क्या किया फिर से देखिए एक्स एक पॉइंट लिया था आपने इस एक्स को इस सेट का इस टाइम ये फेयर ने एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है आपने इस एक्स को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनाना है यानी आपने इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्फेयर ढूंढ के दिखाना है जिसका सेंटर एक्स हो और रेडियस आपने फाइंड आउट करना है तो वो रेडियस मैं क्या ले रही हूँ आर माइनस डी एक्स है जिसका नाम मैंने आर वन रखा है यानी पर सेंटर्ड आर वन रेडियस का जो स्फेयर है वो इस सेट एस ए आर में कंटेंड होगा मैं ये क्लेम करूँगी अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ का एक पॉइंट लेके यहाँ पहुँचाती हूँ और ये चीज़ आप डायग्राम में भी शो कर सकते हो आपने एक्स यहाँ का लिया है और आर माइनस डी एक्स ये टोटल डिस्टेंस आर है ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना है आर और ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस ये है डी ऑफ एक्स ए तो अगर टोटल डिस्टेंस में से ये टोटल आर में से डी ऑफ एक्सए यानी कि अगर मैं डायग्राम में देखूँ जो ओ से लेके ए है वो आर है और ओ से लेके B बी तक को क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए तो आर माइनस डी ऑफ एक्स ए क्या होगा जो कि आपका आर वन है जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है आर वन इस पूरे आर में से ओ बी माइनस कराए तो आर कौन है ओ ए माइनस डी ऑफ एक्स ए कितना है ओ बी ये आपका क्या है आर वन यानी आर वन आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन है ए बी तो ए बी को रेडियस लेकर अगर आप X पर एक स्फेयर बनाओगे तो वो पूरे का पूरा यानी आर वन रेडियस का स्फेयर है वो पूरे का पूरा किस में कंटेंट है ऐसे आर वन डायग्राम में तो हमें चीज़ नज़र आ रही है लेकिन इस चीज़ को हमने क्या करना है मैथमेटिकली तो अब यहाँ का एक पॉइंट लेके यहाँ पहुँचाते हैं तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा यहाँ हमने एक पॉइंट लिया वाई y मैंने पॉइंट ले लिया इसमें अगर y इस फेयर का पॉइंट है इसका मतलब y और x का जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा है आर वन से अब आप यहाँ पर आर वन की वैल्यू डाल दो आर वन कौन था आर माइनस डी ऑफ एक्स ए दोनों तरफ आप डी ऑफ एक्स ऐड कर दो या हम ये भी कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स ए को मैं इस तरफ ले तो डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ वाई एक्स क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं ये आपके पास आगे आई एम सॉरी यहाँ लेस देन का साइन था हमारे पास सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया आर वन की वैल्यू तो आपने क्या किया दोनों तरफ डी ऑफ एक्स ऐड करा तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास लेस देन आर अब इसको आप ठीक करके ऐसे भी लिख सकते हो डी ऑफ ए एक्स क्योंकि सिमेट्रिक है और ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज लेस देन आर। अब इन इक्वलिटी से डी ऑफ ए वाई लेस देन आ जाएगा आप ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो बिकॉज डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई तो आपके पास डी ऑफ ए वाई किस से कम आ गया आर से और डी ऑफ ए वाई अगर आर से कम आया है डी ऑफ ए वाई आर से कम आया डी ऑफ ए वाई इज़ लेस than आर दिस implies y कहाँ जाएगा उस फेयर में जिसका सेंटर A है और रेडियस r है तो आपने y यहाँ से लिया था और यहाँ पहुँच गया देयर फोर एस एक्स आर वन इज़ कंटेंड इन एस ए आर यही हमें प्रूफ करना था अब हमने क्या किया है हमने x एक पॉइंट लिया था इस सेट का उस x पर r1 वन रेडियस का एक फेयर शो कर दिया जो पूरे का पूरा इसमें कंटेंड है इसका मतलब x is interior point of SAR. a r iska matlab iska har point iska interior point hai kyunki x arbitrary tha iska matlab SAR is an open set तो इस theorem में हमने ये बात prove करी कि कोई भी open sphere ले लो वो हमेशा क्या बनता है Open set.